हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और आज हम जा रहे हैं एक और ट्रैक पे, जो बस अभी थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। तो अपनी टीम आ ही रही है, देखिए एक से मिलिए, एक आ चुका है, बस अब निकलने वाले हैं 5 मिनट में। तो दोस्तों चलते हैं, बाकी मैं आपको दूंगा सारी इन्फॉर्मेशन रास्ते में भी, कहाँ कहाँ से आपको जाना चाहिए, बेटर शॉर्टकट। तो बस अभी निकलते हैं, चलो दोस्तों। तो दोस्तों हम जा रहे हैं कामरू नाग, जो कि है कमरा गांव में। ये है डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश में, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस और सी लेवल से अप्रॉक्स 11,000 फीट 10,930 फीट पर ये स्थित है। और रास्ता है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग। तो अभी जो मेन इसका ट्रैक है वो है रोहांडा से शुरू, तो हम जा रहे हैं अभी रोहांडा के लिए। तो रास्ते में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू जो मैं आपको दिखाऊंगा ही, तो जल्दी से पहुंचते हैं दोस्तों। बाकी दोस्तों हमने लिया है बग्गी से चैल चौक वाला रास्ता, जो कि है काफ़ी शॉर्ट पड़ता है, और बग्गी से चैल चौक है 9-10 किलोमीटर अप्रॉक्स। और इसके बाद हम चैल चौक से निकलेंगे रोहांडा की तरफ, तो चलते हैं। बाकी दोस्तों रास्ते में बेहतरीन सुंदर नज़ारे, मैग्निफिसेंट व्यू। और बाकी दोस्तों यहाँ की एक पौराणिक कथा भी है, जिसके नाम पर देव कामरू नाग का ये मंदिर बना था, तो मैं वो आपको रास्ते में सुनाऊंगा। भी चलते हैं दोस्तों। काफी मस्त जगह है ना। तो दोस्तों देव कामरू नाग की है एक पुरानी कथा महाभारत समय की। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था दोनों सेनाओं में, तब इन्होंने भी युद्ध में लड़ने की इच्छा जाहिर की थी, परंतु इन्होंने अपनी माता को यह आदेश दिया था कि जो भी युद्ध में, यानी कि जो भी टीम हार रही होगी ये उसकी तरफ से लड़ेंगे। तो ये निर्णय लेकर ये युद्ध के लिए चल पड़े थे, और इनकी मुलाकात हुई थी पांडवों से। तो उसी समय पांडवों का आपस में यह बातचीत चल रहा था कि कौन सा योद्धा कितने जल्दी इस युद्ध को समाप्त कर सकता है। तो सभी ने अपने अपने विचार प्रकट किए। उसी समय बर्बरीक जो राजा थे, इन्होंने कहा कि मैं चाहूँ तो इस युद्ध को कुछ ही पलों में ख़त्म कर सकता हूँ, क्योंकि इनके पास ऐसे तीर थे, ऐसी शक्तियाँ थी कि ये चाहते तो सच में उस युद्ध को बहुत जल्दी ख़त्म कर सकते थे। तो यह बात सुनकर सभी जो वहाँ पर उपस्थित थे हैरान रह जाते हैं। तभी इस पर श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि हम इस चीज़ को कैसे मान सकते हैं, तुम्हें परमाक्ष देना होगा, यानी कि तुम्हें ये साबित करना होगा। इसी बीच वो उन्हें एक वृक्ष के पास ले जाते हैं, जो कि एक पीपल का पेड़ होता है। तो उसी पर वो कहते हैं कि इस पर जितने भी सूखे पत्ते हैं तो आप उन सभी को तोड़ कर बताएं। तब इसी पर अपने पहले वाहन से जब गडोद के गज के पुत्र बर्बरीक राजा अपना तीर चलाते हैं, तो जितने भी सूखे पत्ते होते हैं वो सब टूट जाते हैं। तभी इस बीच एक सूखा पत्ता श्री कृष्ण भगवान जी के पास आके गिरता है, और जिसे वो अपने पैरों से ढक देते हैं। उसके बाद वे दूसरे तीर को चलाने को कहते हैं, और इसमें वो कहते हैं कि जितने भी सूखे पत्ते टूटे हैं वो सभी एक ही तीर से, मतलब भेद दिए जाए। तो इसी पर जो कहा जाता है कि जो एक पत्ता उन्होंने छुपाया होता है वो भी तीर उसे उनके पाँव को भेद कर उस लास्ट जो पत्ता होता है उसे भी भेद देता है तीर में। और कहते हैं जिस कारण श्री कृष्ण भगवान की महाभारत के बाद मृत्यु हुई थी इसी चोट से। तो ये एक स्टोरी थी। और उसके बाद जब ये चीज़ मतलब पांडवों को पता चलती है कि ये इतना शक्तिशाली योद्धा है, तो वो कहते हैं कि ये हमारी तरफ से लड़े। पर इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि यह मुमकिन नहीं है। तो अर्जुन कहते हैं कि ऐसा क्यों, तो वो कहते हैं कि इस पे जो बार्बरिक राजा है ये आपको खुद बताएंगे। तो वो कहते हैं कि वो अपनी स्टोरी बताते हैं कि मैं इस युद्ध में आपकी तरफ से नहीं लड़ सकता, मैंने अपनी माँ को वचन दिया है कि जो भी युद्ध में सेना हार रही होगी मैं उस तरफ से लड़ूँगा। तो इस पर अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण भगवान जी कि हमारी पांडव सेना वैसे ही कमज़ोर है, हमारे पास इतने योद्धा नहीं है तो ये हमारी तरफ से लड़ सकते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं ये पॉसिबल नहीं है, जब कौरव यानी कि हार रहे होंगे तब इन्हें उस तरफ से लड़ना पड़ेगा। तो वो इस पर बर्बरीक राजा खुद वो पांडवों की तरफ से अब लड़ना चाहते थे, लेकिन वो अपना जो वचन माता को दिया होता है उसके कारण मजबूर थे।
तो इस पर वो कहते हैं, प्रभु श्री कृष्ण आप ही कुछ कीजिए और रास्ता बताएं। तो इस पर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, इसका एक ही रास्ता है, तुम्हें अपनी जो आत्मा है यानी कि तुम्हारी मृत्यु के बाद ही यह पॉसिबल है, तो तुम्हें अपना मृत्यु दान देना होगा। तो इस पर बर्बरीक जो राजा यानी कि देव कामरूनाग वो तैयार हो जाते हैं, पर वो कहते हैं कि प्रभु मेरी एक ही इच्छा है कि मैं इस पूरे महाभारत के युद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। तो इस पर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारी ये इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा, पर जैसे वो अपने तीर से तीर चलाते हैं आसमान की तरफ, वो आकर उनके धड़ और जो सिर होता है उसे अलग कर देता है। तो जो उसका जो उनका सिर होता है यानी कि देव कामरूनाग का, बर्बरीक राजा का, तो वो जो श्री कृष्ण भगवान होते हैं वो उसे अमर कर देते हैं। और जो वो अमर शरीर था उसे कहा जाता है इस पहाड़ पर रखा गया था, जो कमरा, जो ये गांव है जिसके नाम पर ये कामरूनाग पड़ा था। और कहते हैं इस बीच इन्हें प्यास लगी थी युद्ध देखती वक्त, तो भीम ने जो नदी झील बनाई थी उसे ये कामरूनाग जो लेक है यानी कि बिल्कुल मूर्ति के सामने समर्पित हुई थी। तो ये कुछ स्टोरी थी। इसके बाद इन्होंने यहाँ से पूरा युद्ध देखा था महाभारत का देव कामरूनाग की। बाकी दोस्तों कहते हैं जो कामरूनाग झील है उसके अंदर काफ़ी खजाना छुपा रखा है, यानी कि महाभारत का जितना भी खजाना था पांडवों का वो इसके नीचे दफन है। और वैसे भी यहाँ पर सोना चांदी और सिक्के चढ़ाए जाते हैं इस झील में, तो जिन जिन लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती है, काफ़ी सच्चा देवता इन्हें कहा जाता है और बारिश का देवता भी इन्हें कहा जाता है। तो हाँ, अभी चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ और मिलते हैं आपसे जल्दी वहाँ पहुँच कर दोस्त। बाकी दोस्तों हम आ गए हैं अभी लेट हो गए हैं, सतीश की गाना है काफी दूर। यहाँ से व्यू काफी ज्यादा ऑसम। बाकी दोस्तों यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, यहाँ है दो रास्ते, जैसा कि मैं नीचे वाले रास्ते में गाड़ी खड़ी की है, तो जितना मुझे याद है नीचे वाला कामरूनाग के लिए गया, यानी कि दोनों ही कामरूनाग के लिए जाते हैं, ये बाया रोहांडा है नीचे वाला, और दूसरे इस वाले से मैं गया नहीं हूँ जो ये कुकड़ीगढ़ कुटाची वाला है हेलीपैड वाला। तो अभी ये थोड़ा सा कन्फर्म करते हुए जल्दी से पहुँचते हैं दोस्तों रोहांडा पर, एज मैं श्योर हूँ नीचे वाला रास्ता रोहांडा के लिए, और वो रास्ता थोड़ा सा ट्रैक है लेकिन वो मेन रास्ता है ये वाला। और बाकी दोस्तों आप नीचे देखिए, ये है नेट जो कि लगाए जाते हैं सेबों के लिए, सारे एप्पल ट्रीज हैं तो उनकी सेफ्टी के लिए ये नेट लगाए जाते हैं। कितना ही ब्यूटीफुल व्यू है दोस्तों, देवदार के पहाड़ों के बीच बना ये कामरूनाग का मंदिर। तो यही पहाड़ियों से जो हाइट पर अभी हमें जाना है, सामने जो पहाड़ी है हाइट पे, वहाँ भी हम पहुँचेंगे, वहाँ है कामरूनाग जी का मंदिर।
दोस्तों हमने गाड़ी पार्क कर दी है और अभी हम पहुंच चुके हैं रुवांडा। और यहाँ से 10-11 किलोमीटर का पैदल ट्रैक जो अभी हम ट्रैक करेंगे। तो यहाँ से थोड़ा पानी की बोतल भर के और खाने का सामान ज़रूर ले ले दोस्तों। वैसे तो अभी ये जून मंथ में लंगर लगे ही होते हैं, यहाँ पे मेला होता है कामरूनाग में। बाकी अगर आप इन बिटवीन किसी और मंथ आते हैं तो ज़रूर यहाँ से ढाबों से खाने पीने के लिए सामान ज़रूर ले जाएँ। और दोस्तों यहाँ लोग कैंपिंग भी करते हैं, तो अभी थोड़ा सा खाने के लिए कुछ सामान ले रहे हैं। बाकी यहाँ से ये लोग उतर रहे हैं, यहाँ से रास्ता ऊपर पैदल ट्रैक 10-11 किलोमीटर का। तो दोस्तों अभी यहाँ से हम करेंगे कामरूनाग ट्रैक और अभी देखते हैं, तीन घंटे लग ही जाते हैं ऊपर चढ़ने में। तीन घंटे अप्रॉक्स लग ही जाते हैं। यहाँ बोल रहे हैं जैन। बाकी अभी यहाँ पार्किंग देख रहे हैं, थोड़ा गाड़ी का सीट लगा देते हैं रात के लिए। जी दोस्तों यहाँ से शुरू होता है ट्रैक कामरूनाग का। ओए आराम से चलो, अजय इकट्ठे चला भी ना बोला रुका। रुक जाए इकट्ठे चलो। अच्छा चल मिलता नहीं है पर आओ ठीक है। चार्जिंग तो आया नहीं आए पिछली बार गया। सिग्नल बाकी दोस्तों ये कामरूनाग का ट्रैक बहुत ही ब्यूटीफुल। अभी हम चले जा रहे हैं आगे, बहुत ही औसम व्यू आएंगे। अभी थोड़ा सा कवर किया है जस्ट आधा किलोमीटर, तो मैं आपको व्यू दिखाता रहूँगा रास्ते में। देखिए कितने लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, देवदार के सारे पेड़। बाकी दोस्तों इस तरफ होते हैं सेब, खुरमानी और पलम, इन सब के बहुत ज़्यादा पेड़, तो जो कि काफ़ी रास्ते में बेच भी रहे होते हैं। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू है दोस्तों। हमें अभी इतनी हाइट पर जाना है तो चलते हैं। बाकी दोस्तों यार रुके थे एक मिनट के लिए, थोड़ा सा ब्रेक पानी पीने के लिए थोड़ी सी छाया में। और अभी हम कर रहे हैं दिन में ट्रैक। और ये दोस्तों देखो सामान भी ले जा रहे हैं, कितना ऊपर कैंपिंग करते हैं लोग काफ़ी ज़्यादा, तो बस पानी पी कर निकलते हैं। बाकी जो दोस्तों ये 9-10 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है, ये काफ़ी ज़्यादा टफ है, तो जिसे ऑक्सीजन की कमी या कोई हेल्थ इश्यूज़ हो तो ज़रूर इस रास्ते से वो ना आए। बाकी सुनने में आया है कि कोई नया रास्ता निकला है अभी थोड़ा, जो कि गाड़ी ऊपर तक चले जाती है, लेकिन मोस्टली जो मज़ा इस रास्ते से ट्रैक करने में है, ये मेन रास्ता है जो 9-10 किलोमीटर का पैदल ट्रैक, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। और रास्ते में इस मंथ आपको जगह जगह लंगर भी मिलेंगे बीच में, जो कि श्रद्धालुओं द्वारा लगाए जाते हैं यहाँ पर। और काफ़ी घना जंगल है, काफ़ी देवदार के पेड़, और रास्ता देख सकते हैं आप थोड़ा सा टफ है। तो हाँ मैं फिर कहूँगा जिसे ऑक्सीजन की कमी होती हो वो ज़रूर यहाँ आना है इस ट्रैक से, काफ़ी इश्यूज़। और मतलब जो कुछ एज्ड लोग आते हैं काफ़ी, तो उनकी जो कहते हैं बीच में अभी पिछले साल भी डेथ वगैरह हुई थी ऑक्सीजन की कमी से। तो दोस्तों अगर किसी को ऑक्सीजन का इशू हो तो वो साथ में कुछ इक्विपमेंट जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह छोटे ले सकता है, तो
और बाकी दोस्तों रुक रुक के इस ट्रैक को कवर करना चाहिए ताकि आप थके ना, और अप्रॉक्स 3 घंटे इस ट्रैक को कवर करने में लग जाते हैं अगर आप आराम से कवर करोगे 3-3.5। बाकी नॉर्मली 2.5 घंटे में ये कवर हो ही जाता है, और ऐसे ऐसे आपको खड़े पर्वतों पर अभी बहुत ऊपर जाना है तो चलते हैं दोस्तों। बाकी यहाँ से व्यू आप देख ही सकते हैं क्या ही मौसम है, बहुत ही प्यारा ट्रैक। बाकी दोस्तों लोग इसे अपने इच्छा के अकॉर्डिंग कवर करते हैं, कभी 5 घंटे भी लगाते हैं, कभी पूरा दिन। देखिए बीच बीच में दोस्तों लोग रुक रुक कर बातचीत करते हुए सफ़र का एंजॉय करते हुए इस ट्रैक को पूरा करते हैं। तो दोस्तों कोई जल्दबाजी में इस ट्रैक को कवर ना करें, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है रास्ते में, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। तो हाँ रुक रुक कर ये ट्रैक कवर करें। और अभी हम यहाँ रुके थे, अभी हमें वो सामने हाइट पर जाना है, वहाँ है कामरूना, आप देख सकते हैं पहाड़ दिख रहा है सबसे हाइट पे। तो यहाँ पानी के लिए रुके थे, उसके बाद फिर चलना शुरू करेंगे। दोस्तों लास्ट टाइम जब मैं यहाँ आया था तो हमने रात को ये ट्रैक कवर किया था रॉक्स 12 बजे के बाद ही। और यहाँ देखिए यहाँ लंगर लगने की तैयारी हो रही है, तो सामान यहाँ पर घोड़ों और जो गधे होते हैं उनके द्वारा पहुँचाया जाता है ये लंगर वगैरह के लिए। और ये सामने देखिए सेब, ये देखिए कितने सेब लग रखे हैं, ये पूरे बगीचे सेब के हैं। यहाँ पर आपको सेब काफ़ी देखने को मिल जाएगा, पलम और खुरमानी के पेड़ भी। तो यहाँ और ये लंगर की तैयारी हो रही है, तो थोड़ा रुके थे वैसे ही बीच बीच में रुक रहे हैं, तो उसके बाद फिर से कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। बाकी दोस्तों गधों और घोड़ों से यहाँ सामान लाया जाता है, देख सकते हैं आप। बाकी अभी हम पहुंच गए हैं एक और जगह, और यहाँ लग रखा है लंगर, ये लाइटें लगा रखी है, तो यहाँ चखेंगे लंगर, जल्दी से पहुंचते हैं। और ये मेले का समय होता है, जून मंथ में मेला लगता है कामरूनाग में, तो दोस्तों लोग यहाँ लंगर भी लगाते हैं। जल्दी से चखते हैं लंगर और फिर आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे। बाकी दोस्तों लंगर हमने कर लिया है, अब हम निकल पड़े हैं आगे। और यहाँ से व्यू देखिए कितना ही औसम है। और दोस्तों यहाँ रास्ते में दो लोगों ने दुकानें भी लगा रखी होती है जो यहाँ के लोकल होते हैं फ्रूट्स वगैरह की। तो बाकी मैक्सिमम लोग इसको रात में ट्रैक करते हैं, अभी मेले की वजह से यहाँ काफ़ी ज़्यादा रश दिख रहा है, लेकिन जून मंथ के अलावा यहाँ पर इतना रश नहीं होता है। और मैक्सिमम रात को ही इसको ट्रैक किया जाता है क्योंकि उस टाइम धूप नहीं होती है, धूप में थोड़ा सा टफ हो जाता है इस ट्रैक को कवर करना। और ये देख ही सकते हैं कितनी हाइट पर हम अभी पहुंच चुके हैं, अभी हमने लगभग आधा कंप्लीट कर लिया, जहां लंगर लगा था वहां पे आधा हो जाता है ये पानी की टंकी के पास। बाकी दोस्तों नज़ारों की बात तो क्या ही करें, क्या ही ज़्यादा औसम व्यू है दोस्तों, मन को सुकून मिलता है और शांति इतने बेहतरीन सुंदर प्लेस पर आकर। और बाकी दोस्तों यहाँ मैं रुका था थोड़ी देर के लिए, और यहाँ से व्यू देखिए क्या ही औसम व्यू आ रहा है सामने, पहाड़ अमेजिंग दोस्तों, बहुत ही प्यारी जगह है। मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश में आते हैं तो ज़रूर थोड़ा टाइम निकाल कर इसे ट्रैक को कवर करें। बाकी दोस्तों ये मंदिर के गेट के पास पहुंच चुके हैं, और सच बोलूं दोस्तों ये हेवन ही है ये प्लेस, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा पीस। और यहाँ पर कुछ सूचना लग रखी है जो मैं आपको रीड अभी पढ़वाता हूँ, ये पढ़िए। वैतानिक चेतावनी, श्री देव कामरूनाग जी के मंदिर में देवता की 3 टोलियों में हम बैठक हुई, ये पाउस करके आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। बाकी ये मेन गेट है, यहाँ से भी अभी आई थिंक 2-3 किलोमीटर है,
2 किलोमीटर होगा और इस गेट पर यही लिखा है कि शराब वगैरह ये चीज़ें पीकर ना आए, यहाँ पर जुर्माना भी पड़ सकता है या देव आपको खुद जो है इस चीज़ का वो, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ शराब वगैरह पीने से देव गुस्से में आ जाता है, तो ये एक अपमान है और इसका फल देव खुद ही दे देता है, तो गलती से भी ये चीज़ें ना करें दोस्तों इतनी पवित्र जगह में। और आपसे एक ही अनुरोध है कि अगर आप बाहर से आते हैं जो लोग, ज़रूर यहाँ कचरा वगैरह ना फैलाए, कुछ भी खाने की चीज़ तो बीच बीच में डस्टबिन लग रखे हैं वहीं पर ही जो भी आपका कचरा। बाकी दोस्तों जो ऊपर जाके गेट आया था इससे अभी मैं कुछ ही दूर आगे आया हूँ और यहाँ से है व्यू काफ़ी ज़्यादा औसम। थोड़ा सा रास्ता पक्का बना रखा है तो प्लेन है थोड़ा सा, फिर आगे जाके एक खड़ी सी पहाड़ी आएगी और बस ऊपर जाकर आप कामरूनाग पहुँच जाएंगे। बाकी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा औसम प्लेस है और यहाँ पर दोस्तों लोग ट्रैकिंग हम पहुँच चुके हैं, बहुत इन्जॉय करते हो ट्रैकिंग के लिए, बेस्ट लोकेशन है मैं कहूँगा। बाकी देखिए ये हम लंगर लग रखे हैं, हम पहुँच ही गए हैं लोकेशन के पास, तो ये सामने दिख रहा है काफ़ी यहाँ पर लग रखा है मेला, तो मैं आपको दूंगा यहाँ का पहले व्यू पूरी लोकेशन का कामरूनाग की। तो ये देव कामरूनाग में क्योंकि जून मंथ में मेला होता है तो बहुत से जो भी पर्यटक होते हैं यहाँ पर आते हैं, तो अभी मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा रश मुझे यहाँ पर मिलेगा। और जय देव के कामरूनाग भगवान, 9 से 16 जून तक यहाँ ये इन्होंने अपने जो है लंगर लगा रखे हैं इन कैंपिंग वालों ने, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग यहाँ पर आके लंगर लगाते हैं। बाकी दोस्तों आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा रश है, जाहू वालों ने यहाँ पे अपना जो है लंगर वाला कैंप लगा रखा है, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से है, घुमारमी मंडी और भी कोई त्रिफालगढ़ से, कोई अलग अलग जगह से लंगर समिति जो होती है उन्होंने लंगर लगा रखे हैं और ये लग रखा है यहाँ मेला। तो मैं आपको थोड़ा सा व्यू देता हूँ घुमाकर और लेक वगैरह बताता हूँ यहाँ पूरा एक राउंड मारकर, यहाँ सूचना लग रखी है तो ये पॉज करके आप पढ़ ही लेना, बाकी रश देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा है। बाकी दोस्तों जो मेरे साथ आए थे अभी दो, तो वो जो साथ में आके चल रहे थे वो तो पहुंच चुके हैं लेकिन वो यहाँ मुझे दिख नहीं रहे हैं, तो अभी थोड़ी देर में उन्हें ढूंढते हैं। बाकी जो माता श्री है वो आ ही रहे हैं साथ साथ में, अभी पहुँचने वाले हैं बाकी लोगों के साथ, तो तब तक एक राउंड मारते हैं और फिर उन्हें भी ढूंढेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, बाकी ये देखिए ये है कामरूनाग लेक, कितनी ज़्यादा अमेजिंग। बाकी अभी तो इसमें पानी कम लग रहा है दोस्तों और ये काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है समुंदर तल से, लगभग 11,000 फीट पे, और व्यू काफ़ी ज़्यादा औसम, ये इतनी शॉप्स सारी देख ही सकते हैं लग रखी है। और ये सूचना भी है कि झील के आसपास भोजन ग्रहण ना करें और ज़्यादा पास ना जाएं। बाकी दोस्तों यहाँ पर लोग जो सोना चांदी और सिक्के ये सब चढ़ाते हैं, बाकी कुछ लोग होते हैं जो नोट होते हैं यानी कि पैसे, वो नोट जो होते हैं वो भी यहाँ फेंक जाते हैं जो कि गलत है, पानी में मना किया गया है यहाँ पर, तो ऐसा ना करें। बाकी आप हाँ सिक्का वगैरह जो होता है 10 का 1 का 2 का जो भी, वो अपनी मनोकामना मांगने के लिए यहाँ पर इसमें झील में डाल सकते हैं। तो जय देव कामरूनाग, ये एक और सूचना है। तो अभी एक राउंड लगाते हैं और व्यू देखते हैं, क्या ही बेहतरीन नज़ारा है दोस्तों। यहाँ से ऊपर शिकारी देवी, यहाँ बर्फ़ भी पड़ती है, बर्फ़ में तब तो ये रास्ते बंद हो जाते हैं और काफ़ी ही औसम व्यू है। भी जो सामने आपको ये दिख रहा है यहाँ पे है देव कामरूनाग जी का मंदिर, बाकी दोस्तों सच कहो तो ये जन्नत ही है, बहुत ही जन्नत में बसा ये मंदिर। और ये जो कहते हैं इस झील के अंदर पांडवों का जितना भी खजाना था महाभारत का, वो इस झील के नीचे छुपा रखा है,
और इस झील की ये मान्यता भी है कि कई लोगों ने इस खजाने को चोरी करने की कोशिश की, कईयों की मौत हो गई या कुछ अंधे हो गए, और अलग अलग प्रकार की कहते हैं यहाँ की रक्षा जो नाग देवता है वो करते हैं। एक बहुत बड़ा नाग है इस झील में जो कि इस खजाने की रक्षा करता है, जिसके नाम पर ये देव कामरू नाग इस जगह का नाम है नाग। तो अभी उस मंदिर के पास अभी पहुँचते हैं दोस्तों। बाकी एक बार सारे इकट्ठे हो जाएं उसके बाद ही मंदिर में जाएंगे। तो यहाँ तब तक थोड़ा पानी वगैरह मैं भर लेता हूँ। बहुत ही ठंडा पानी आता है पहाड़ों से निकलते हुए। ये देखिए डस्टबिन कितने अच्छे लगा रखे हैं, तो और लोगों ने भी कचरा कोई भी फैला नहीं रखा है, सब यहीं डाल रहे हैं वो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और देख ही सकते हैं आप कितना रश है, और काफ़ी ज़्यादा हाइट में बसा ये मंदिर, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। और ये झील और ये है कामरू नाग जी का मंदिर। आज काफ़ी ज़्यादा रश है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो श्रद्धालु है वो आ रखे हैं और मेला भी लग ही रखा है। तो और यहाँ थोड़ी सी लाइन है, बाकी अभी चलेंगे मंदिर के अंदर भी दोस्तों। बाकी ये कुछ सूचना है, बाकी दोस्तों ये लग रखी है मेले, जो मेला है उस करके दुकानें, काफ़ी ज़्यादा रश और दुकानें, ये देख सकते हैं आप अलग अलग प्रकार की। तो काफ़ी लोग यहाँ से मूर्तियाँ और जो पेंटिंग्स होती है जो यहाँ की देव कामरू नाग की, वो घर ले जाते हैं कोई यादगार। तो बाकी दोस्तों इतना रश और ये जो मेला वगैरह है ये सिर्फ जून मंथ में जब यहाँ मेले लगते हैं तभी होता है। बाकी बाकी दोस्तों ये है देव कामरू नाग जी का मंदिर। तो आशीर्वाद ले लें, जय देव कामरू नाग। देख ही सकते हैं आप कितने लोग आ रखे हैं, सामने मूर्ति है कामरू नाग भगवान की, जय देव कामरू नाग। तो अभी बाकी दोस्तों कहते हैं कि मंदिर का आशीर्वाद लेकर यहाँ पे मंदिर के अंदर वाली साइड से एक प्रक्रिमा ज़रूर लगानी चाहिए, ऐसी मान्यता है। तो अभी हम प्रक्रिमा पूरी करते हैं जल्दी से सभी। काफ़ी ही ब्यूटीफुल प्लेस है दोस्तों, मैं रिकमेंड करूँगा ज़रूर अगर मंडी आते हैं तो यहाँ पर आए, काफ़ी ऑसम प्लेस है। बाकी दोस्तों लोग तो यहाँ दो दो तीन दिन के लिए भी आते हैं कैंपिंग करते हुए। कमी हो रही है, इतना तुम्हें रुक जाए ना बीच बीच में, ये शॉर्टकट ले लिया, शॉर्टकट से हो जाता है, लेना नहीं चाहिए, लेना चाहिए उससे क्रैम्प जाते हैं। और पर चल तुम्हारे फिर भी लोअर थे तो कंफर्टेबल, अब साथ चलना उत्तर दीवार, अब मत ऐसा। बाकी दोस्तों ये लग रखी है दुकानें जो कि लगती है मेले के समय यानी कि जून मंथ, तो देख ही सकते हैं। बाकी दोस्तों इतनी प्यारी जगह है, प्रकृति की गोद में बसा ये मंदिर, क्या ही बोलूं दोस्तों, अमेजिंग। एक बार ज़रूर विजिट करें। और ये देख सकते हैं यहाँ की तस्वीरें, ये दोस्तों लोग घर को खरीद के ले जाते हैं मेमरीज के लिए, बाकी कामरू नाग देव का आशीर्वाद समझकर। बाकी दोस्तों ये लग रखा है लंगर, ये भी लग रखा है हमारे गांव वाली साइड जो समिति है, लंगर समिति उन्होंने बना रखा है। तो अभी हम लंगर करके यहाँ से थोड़ा घूम रहे हैं। बाकी दोस्तों बहुत ही प्यारी जगह है, और हाँ यहाँ पे रुकने का भी प्रबंध है। जैसे हम पिछली बार रात को आए थे तो यहाँ पर आगे थोड़े से
जो सराय वगैरह यानी कि छोटे से होटल वो यहाँ पर बनाए गए हैं बिना कॉस्ट के, तो आप रह सकते हैं रात को भी। वैसे हमारा तो कोई विचार नहीं है अभी रुकने का। और दोस्तों यहाँ से पैदल ट्रैक है शिकारी देवी के लिए भी आप फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं थोड़ा रेस्ट लेकर, पर हमारा विचार अभी यहीं तक का था तो अभी हम आज ही वापस हो जाएंगे, तो थोड़ा सा घूम फिर कर निकलेंगे वापस। बाकी यहाँ से वैसे हाँ आप शिकारी देवी भी निकल सकते हैं पैदल ट्रैक, तो वैसा सा कुछ है। कितने का पूछा भैया? मैंने भी लिया, मैंने बड़ा लिया। कितने है ये वाला? 100 का बताइए, 150 का। अच्छा ये 250 वाला, 6000 का और ये वो पूछा है 400 वाला ऑनलाइन। अच्छा उसकी क्वालिटी थोड़ी रियल रियल है, लास्ट वाला नीले रियल तो है, नीले का नहीं है। चलो ठीक है, लगा ले नीले। मैग्नेट है, मैग्नेट से चीना मार रही है। मैं सोच रहा हूं ना आजकल के नहीं दी ये लो बड़े छोटे ये कौन ओम नमः शिवाय लिखा। हां ये भी सही है ना, क्या ब्रो लाइट लगा दी, लाइट नहीं आ गया क्या धर्मा का लिखा है। हां ओम नमः शिवाय लिखा है, ये थोड़ा शोशे वाली है। बाकी दोस्तों हम जा रहे हैं अब वापस, तो अब वापस जाने का ट्रैक भी शुरू हो गया है हमारा, तो जल्दी से चलते हैं। बाकी इन लंगर सेवा वालों ने बोला था कि हमारे पास भी ज़रूर आना, ये थोड़े नोन ही है, तो वैसे ही मिलके वापस चलते हैं। बाकी देखिए बाकी दोस्तों मौसम पूरा बारिश वाला हो गया है, और बीच रास्ते में कहीं भी हम फंस सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बारिश में। और इन पेड़ों पर जो देवदार के हैं बिजली भी काफ़ी ज़्यादा गिरती है हाँ कहते हैं, पर देव कामरूनाव के आशीर्वाद से जो ये बिजली पेड़ों पे गिरती है वो कभी भी इंसान पे कभी नहीं गिरती है, और किसी को नुकसान भी नहीं होता है, इतना ज़्यादा आशीर्वाद है देव कामरूनाव का। बाकी दोस्तों चलते हैं, पर लगता है रास्ते में हमें बारिश का सामना करना ही पड़ेगा, बारिश होने वाली है काफी। आधा एक घंटा 15 तक हाँ गेट से आने वाले ऊपर, बस फिर से थोड़ा ही रहा, अब तो काफी कर दिया। कीचड़ हो जाएगा रास्ते में ना, हाँ ठंड भी है। बाकी दोस्तों कैसा लगा आपको ट्रैक तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मौसम हो रखा है बारिश वाला, देखिए बिजली कड़क रही है और कभी भी शुरू होने वाली है, लगता है काफ़ी तेज हल्की हल्की लग चुकी है। बाकी दोस्तों काफ़ी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई है और यहाँ हम रुके हैं, काफ़ी ठंड भी लग रही है बारिश के पानी से जो हम बिल्कुल भीग चुके हैं, और देख ही सकते हैं आप कितनी तेज़ बारिश हो रही है। मैन वर्ड तो ये क्या हो गया, वो वाटरप्रूफ है ना, वो कौन है क्या बात कर रहा है।
ओ भाई दोस्तों देख सकते हैं आप, बारिश पड़ गई है और काफ़ी रिस्की हो जाएगा रास्ता अगर हम जल्दी निकले नहीं, और बहुत ज़्यादा। ठंड भी काफ़ी ज़्यादा लग रही है बारिश से हुआ बुरा हाल। जय देव कामरूनाक, सारे पाप धुल गए आज पर ये नहीं कहीं बुखार बुखूर आया, वो बड़ी ठंडी बारिश है आन पटरी ये तो पानी नहीं, अरे वो आन गिर रही है वो बर्फ जैसी। ओ भाई बड़ भलाई नहीं, वो धंधा धुंधी, अरे और दोस्तों देख सकते हो आप, भाई कितने कहाँ के टूरिस्ट आ गए पूछ ले। ओ भाई और पानी चल पड़ा, नील डलेंगे, कॉलेज आ गया क्या वो? या तेरे को नहीं, इसको सेफ है, ये सेफ है इसके बाद। आराम से जाओ भाई। ओ भाई पानी आ रहा है। बाकी दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको कैसा लगा हमारा ये ट्रैक और जय देव कामरूनाक। एंड बाकी दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे जल्दी नए ब्लॉग में नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।